फरवरी मासिक राशिफल 2024। ग्रहों की चाल से जीवन में बड़ा बदलाव। अब क्या दूर होंगी सेहत संबंधित दिक्कतें, रिश्तों में टकराव या फिर मिठास। अब के मिलेंगे तरक्की के कितने मौके। 28 दिनों के भीतर क्या पाएंगे और क्या खोएंगे, कितना कमाएंगे और कितना जोड़ेंगे। जिंदगी के हर पड़ाव पर भाग्य देगा कितना साथ। फरवरी माह से जुड़े उपाय और सलाह देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी, सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। हर बार की तरह इस बार भी हम भूले नहीं और लेकर आपके लिए लेकर आए हैं क्या कहता है आपका फरवरी माह का मासिक राशिफल 2024। आने वाला कल आपके लिए कितनी खुशियों की सौगातें लेकर आ रहे हैं, कितनी खुशहाली लेकर आ रहा है, आपके लिए कितनी तरक्की लेकर आ रहा है, ये जानेंगे आप अपने इस वीडियो में, जिसमें हम आज बात करने वाले कुंभ राशि कुंभ लग्न वाले लोगों के बारे में। आपको बताएंगे कि ये जो महीना है या फरवरी का जो महीना है और फरवरी महीने के जो 28 दिन है वो आपके कैसे बीतेंगे, इस महीने क्या कुछ नया आपको मिलेगा पाने के लिए और किन चैलेंजेस का सामना भी आपको करना पड़ सकता है, ओवरऑल ये महीना क्या कहता है, आइए शुरुआत करते हैं आपके ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को जानने से। बताएंगे बिल्कुल, देखिए कुंभ राशि वालों की बात करें तो लग्न भाव में शनि विराजमान है और यहाँ पर अभी लंबे समय तक रहेंगे जी। दूसरे भाव में राहु है, तीसरे भाव में बृहस्पति, चतुर्थ पंचम षष्ठ भाव खाली, सातवां भाव भी खाली, आठवें भाव में देखिए चंद्रमा और केतु की युति हो गई है, नवम दशम खाली, एकादश भाव में शुक्र बुध और मंगल की युति है। बुध जो है बहुत जल्दी ही बारहवें भाव में आ जाएंगे जहां वो सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बनाएंगे और सूर्य आपके बैठे हुए बारहवें भाव पे। तो ये कुछ ग्रह स्थिति कुंभ राशि वालों की बनती हुई नजर आ रही है। इस महीने सितारों की बात करें तो संकेत दे रहा है कि ये महीना आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। तो लाभकारी रहने वाला है, शनि की राशि है, किस प्रकार से आपको अब इस महा लाभ प्राप्त होगा, आइए आगे बढ़ते हैं, सिलसिला तरीके से हर पहलू पर बात करेंगे। सबसे पहले मुझे क्या लगता है अब इनकी जो स्वास्थ्य संबंधित जितनी भी दिक्कतें हैं क्या अब वो इस माह से खत्म हो जाएंगी? देखिए अगर बात करें कुंभ राशि वालों के लिए तो ये महीना जो है इनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफी अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य संबंधी कोई ऐसी परेशानी नजर नहीं आ रही है। लेकिन चंद्रमा केतु और सूर्य जो है ये अष्टम और बारहवें भाव में, जिसके चलते इस महीने ट्रेवल काफी रहेगी, यात्राएं काफी होंगी, तो आप अपने खान पान की जो है वो बैलेंस जो है वो बनाए रखिए, वो टूटना नहीं चाहिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा रहेगा क्योंकि चंद्रमा केतु की युति अष्टम भाव पे है और माह के शुरुआत में भी थोड़ा तनाव महसूस करेंगे आप। कारण क्या है कि जब ग्रह स्थिति ऐसी बनती है तो उसमें वर्कलोड बहुत होगा और आप वर्क का स्ट्रेस ले लेंगे ज़रूरत से ज़्यादा, उस चीज़ से आपको बचना है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि कविता जी अगर स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो फिर हेल्थ इश्यूज जो है बढ़ते हुए देखने लगती है और यही स्ट्रेस आपके काम पर भी दिखने लगता बिल्कुल, है बाद बिल्कुल। चलिए अब यहाँ हम बात करेंगे स्टूडेंट्स को लेकर, उनके लिए क्या बड़ी खुशखबरी है इस बार फरवरी को लेकर? देखिए स्टूडेंट्स के लिए ये देखिए समय काफी अच्छा आ रहा है, छात्रों के लिए शिक्षा परीक्षा के लिए बड़ा अच्छा समय है। ये जो टाइम है आपके एग्जाम्स का टाइम है और इस समय जो मेहनत की गई, देखिए संपूर्ण वर्ष की ये मेहनत होती है तो इस समय आपको उस मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा, शिक्षा परीक्षा के क्षेत्र में अच्छी कामयाबी मिलेगी और आपके एग्जाम्स भी काफ़ी अच्छे रहेंगे। अगर आप कोई इंटरव्यू देना चाह रहे हैं जॉब के लिए कोई छात्र, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, रिश्तों के मामले में ये समय आपके लिए कितने नए रिश्तों की सौगात लेकर आ रहा है, कितनी नई खुशियाँ लेकर आ रहा है, आपके संबंधों में कितनी मिठास लेकर आ रहा है, प्रेम प्रसंग वैवाहिक जीवन अब की बार आपका क्या कहता है? देखिए अगर आपके लव लाइफ की बात करें या मैरिड लाइफ की बात करें तो ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और इस महीने प्रेम संबंध भी मजबूत होंगे जी। और रिश्तों में जो भी कोई तलखी थी वो समाप्त होगी, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो भी खत्म होगी जी। तो कुल मिलाकर शुक्र की स्थिति आपके लिए बहुत बलवान है जो आपके प्रेम संबंधों को बढ़ा रही है और आपके वैवाहिक जीवन को भी काफ़ी अच्छा कर रही है। तो एक तरीके से सितारों की चाल जो है आपके पक्ष में रहेगी। चलिए सितारों की यही चाल क्या इनके प्रोफेशनल लाइफ में भी अच्छे रहने वाले, काम धंधा इनका काम कारोबार सब कैसा चलेगा, नौकरी करने वालों के लिए भी मैं जी और कारोबारियों के लिए भी? देखिए ये महीना नौकरी करने वालों के लिए भी अच्छा है और कारोबारियों के लिए भी, लेकिन ये माह जो है किसी परिवर्तन करने का नहीं है। अब सोचें आप नौकरी चेंज करना चाहते हैं अच्छा। तो इस समय अभी रुकना चाहिए, कुछ और भी अच्छे प्रस्ताव आने का वेट करें
और अगर आपको बिजनेस नए काम की शुरुआत करनी है तो भी अभी रुकना चाहिए, क्योंकि साढ़े सात ही है, शनिदेव आप ही की राशि में बैठे हैं जी। तो अपनी कुंडली का अध्ययन बिना कराए आप नए कार्य की शुरुआत बिल्कुल ना करें जब तक शनि लगन में बैठे हैं। दूसरी बात देखिए, इस महीने तो बिल्कुल भी शुरुआत नहीं करनी चाहिए, ये मेरी आपको सलाह है ग्रहों के अनुसार। और इस महीने काम कारोबार जो है आपका काफ़ी अच्छा रहेगा, नौकरी में भी अच्छा करेंगे, आपके कार्य की प्रशंसा होगी, प्लस व्यापार में भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा, काम धंधा आपका अच्छा चलेगा। आप कोई भी काम करते हैं, किसी भी चीज़ का बिजनेस है, उसमें आपको इस महीने लाभ ही लाभ मिलेगा। शनि इन्हीं की राशि में है और एक लंबे समय तक 24 में तो रहेंगे ही पूरे साल। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्या लगता है कि आर्थिक स्थिति इस दौरान खासकर फरवरी से इनकी किस प्रकार से बदलेगी? देखिए, इनकी आर्थिक स्थिति जो है फरवरी से इनको धन लाभ की ओर संकेत दिखा रही है, धन लाभ अच्छी मात्रा में होगा, लेकिन फरवरी मास में खर्च भी निरंतर बना रहेगा, ऐसे संकेत भी हैं। तो लेकिन कोई बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ओवर लिमिट नहीं होगा खर्च जो आपका, लेकिन इस महीने धन लाभ के अच्छे संकेत ग्रह नक्षत्र आपके दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं, और आप अपने बिजनेस में मेहनत करेंगे तो उसका परिणाम भी आपको इस महीने काफ़ी अच्छा मिलेगा, क्योंकि इस महीने जो है आपका शुक्र मंगल की स्थिति आपके लिए बहुत ही बलवान है, गुरु भी आपको अपना शुभ फल देने के लिए तैयार हैं। कहीं कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और किसी को उधारी क्या भी दे सकते हैं इस समय? देखिए, इस समय ना तो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इस महीने में, और ना ही किसी को पैसा उधार देना चाहिए, ना ही कहीं पैसा आप अगर सोच रहे हैं कि भाई मैं एकदम से लॉटरी लग जाए, मैं कोई लॉटरी ले लूँ, तो वो नुकसान दायक ही साबित हो सकती है, उस चीज़ से बचना चाहिए। मैं जी, ओवरऑल क्या लगता है, क्या कुछ उपाय अब इन्हें करना चाहिए इस माह से? देखिए, उपाय के तौर पे आप क्या कर सकते हैं कि इस महीने सूर्य देव को जल चढ़ाएं और उसमें थोड़ा सा अगर हल्दी और लाल पुष्प डाल दें तो वो और भी अच्छा है, और मंदिर के जो पुजारी हैं उनका आशीर्वाद ज़रूर लें, उनको वस्त्र इत्यादि दान करें, उनको मिठाई दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भगवान शिव की पूजा संपूर्ण मास आपको करनी चाहिए तो आपके लिए बहुत ही ये सुखद रहेगा, मानसिक तनाव से छुटकारा मिलेगा। पक्षियों को सतनजा डालिए या चींटियों को आप आटा खिलाइए, तो ये सब उपाय, छोटे छोटे उपाय करने से आपकी गृह स्थिति मजबूत होगी। सबसे इम्पोर्टेंट, शनि का दान भी कीजिए, क्योंकि साढ़े सात ही चल रही है, शनिवार के दिन संध्याकालीन में 5 बादाम शनि मूर्ति पर चढ़ा दीजिए, सरसों का तेल भी थोड़ा चढ़ा सकते हैं, और शनिदेव के बीज मंत्र ओम शन शनेश्वराय नमः का भी जाप करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। ऐसे में छोटी सी सलाह, सलाह के तौर पर इस महीने बस ये है कि क्रोध की अधिकता रह सकती है, और देखेंगे 15 फरवरी के बाद सूर्य और शनि जो है लग्न में आ रहे हैं, तो ये आपके क्रोध की वृद्धि कर सकता है, मानसिक तनाव का कारण बन सकता है, तो इसलिए हमने ये आपको उपाय बताए हैं कि ये उपाय आप करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। सलाह के तौर पे 15 तारीख के बाद वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा आप क्या करें कि मन मुटाव से बचें, क्रोध की अधिकता या मूड स्विंग होना, ये सब चीज़ें रहेंगी तो उस चीज़ से आपको बचना चाहिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। धन का कहीं निवेश ना करें इस समय, और पैसा भी किसी को उधार देने से बचें, और कोई नई या कोई बड़ी शुरुआत अगर आपने करनी हो तो उससे अभी बचना चाहिए। चलिए, इसी के साथ मुझे मयंक जी को, दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।